गाइस तो आप देख सकते हैं कितने सारे कबूतर उधर, बहुत अब देखिए ऊपर में भी है, तीसरे टंकी पे इस साइड में कबूतर भरे पड़े हैं। और आज क्लाइमेट धूप हो रही है, और एक नीली कबूतर आई है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको पकड़ने की। देसी है बट काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, देख सकते हैं इधर बैठी हुई है, फीमेल है कि ये पूरी रेड आइस में है, बिल्कुल ही काफ़ी एक्टिव दिख रही है मुझे, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको पकड़ने की, पकड़ पाऊँ और उस साइड जाती है तो देखिए सारे कबूतर इधर इधर उड़ के बैठ गए यहाँ यहाँ, ये देखिए फिर से वाइट वाली कबूतर भी भाज ली उड़कर। तो हे गाइस वेलकम टू केव सेवन क्रू गाइस, ये देख सकते हैं आप आगे। तो अगर गाइस वीडियोस अगर मेरी अच्छी लगती हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और अपने इस गर्मियों में अपनी छतों में दाना और पानी डाल दिया करें बर्ड्स के लिए, काफ़ी सारे बर्ड्स भूखे होते हैं, कबूतर बहुत सारे एनी बर्ड्स। देखिए ये कबूतर है इधर 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 घूम रही है, ये साइड आ रही है, तो ये देख सकते हैं आप कितने सारे कबूतर भीड़ लगा रखे हैं, और वो ब्लैक एंड वाइट वाली कबूतर भी न्यूज आई है, कैसे पकड़ूँ उसको सोच रहा हूँ। एक्चुअली हमने एक ट्रिक बनाया कबूतर फंसाने की, लेकिन वो अब तक हमने एक्टिव नहीं किया, लगाया नहीं है इस साइड में, सारे उड़ के इधर बैठ गए। ये देखिए वाइट ब्लैक एंड वाइट कबूतर बार बार उड़ के बैठ रही है बट नीचे नहीं, मैं जैसे खड़ा हो रहा हूँ वैसे उड़ जा रही है ये, तो मैं कोशिश करता हूँ किसी तरीके से अंदर ले जा पाऊँ इसको इजीली पकड़ने के लिए। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दिया करे गाइस लाजमी। ये देखिए कबूतर बड़े हैं, फिर फाइट वाली कबूतर इधर आके बैठ गई, वो नीचे रह नहीं रही है छत पे, जैसे मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ वो उड़ जा रही है, तो थोड़ा मुश्किल होगा उसको पकड़ना बट पकड़ सकते हैं इसलिए लेकिन अभी टेव है कि तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे भीड़ लगा रखा है मैंने। देखिए जितने बार आ रही है मैं जैसे खड़े होने की कोशिश करता हूँ ये उड़ जाती है, हमारे लॉफ्ट वाले भी कबूतर देखे हैं बाहर निकलने के लिए वो परेशान है बट निकालूंगा नहीं अभी उनको बाहर, फिलहाल बस कौन से बैठी बड़ी अंदर में तो बाहर नहीं निकालना इनको। देख सकते हैं कितना वेट कर रहे हैं ऊपर में कबूतर, इधर में इसके पीछे भी बैठे हैं काफ़ी सारे, फ्रंट पे नहीं आया, पीछे साइड में भी बैठी है कबूतर, और छत पे देखें आप 2 मिनट में दाना ख़त्म। एक और वो ब्राउन भी कबूतर आई न्यू, ये कबूतर भी काफ़ी एक्टिव है, इसको भी बड़ा पकड़ना मुश्किल है कि देखने से ही पता चल जाता है कितनी एक्टिव है पहले से।
गाइस वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें गाइस, और अपने घरों के साथ में थोड़े कबूतरों के लिए दाना डाल दिया करें गाइस। बहुत भूखे होते हैं कबूतर, बहुत सारे पक्षी होते हैं जो इस टाइम भूखे होते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता, दाना वगैरह नहीं मिल पाता, रोटी वोटी सूखे होकर जो भी दो सब खा जाते हैं, भूखे होते हैं पक्षी तो। ब्राउन वाली कबूतर देखे फिर से आई, कबूतर काफ़ी एक्टिव कबूतर है ये, दो तीन बार आई है छत पे बट पकड़ा बिल्कुल नहीं आता, कि काफ़ी एक्टिव है, दूर दूर से निकल जाती है, बिल्कुल पास आती नहीं है। तो ये ब्राउन कबूतर है, मैं इसको कैसे पकड़ूं, बड़ा मुश्किल है। ये देखें पहले से अकेले इधर बाज ली, नीचे नहीं गई है। ये देखें इसका ऐसी ही है सेटिंग, दो मिनट में ऊपर एक्टिव हो जाता है, नीचे आने का कोई चांस ही नहीं है। कि बाकी आप कबूतर देखें सारे कंफर्टेबली खा रहे हैं। गाइस मैं कबूतर को जो कह रहा था कि वो फंसाने के लिए बहुत अच्छा हमने जुगाड़ ढूंढा है, इसमें जंगलियों में काफ़ी सारे देसी कबूतर मिक्स हो के जिसके आते हैं काफ़ी लंबे टाइम से रहने से जंगलियों में हो जाते हैं, तो उनको ही पकड़ने के लिए हमने वो जुगाड़ किया है। बट वो एक दो दिन में ही मैं एक्टिव कर दूँगा कि किस तरीके से उसको फंसाया जाता है, कबूतरों को बहुत ईजिली आसानी से फंसा पाऊँगा उसको, हमें हाथों से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कबूतर हाथों से पकड़ने से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं और वो हाथ में भी नहीं आते, तो उनके लिए ही स्पेशल हमने वो डिज़ाइन किया है। देखिए आप ऊपर सारे बैठे हुए हैं इधर, तो उस तरीके से कबूतर सुबह बहुत भूखे होते हैं, बहुत सारे सारे दिन ही कबूतर आते रहते हैं बट सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो गाइस हमारे वीडियोस को लाजमी लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और प्लीज़ गाइस अपने घर के छतों पे या साइड में बैल्कनी वगैरह पे दाने और पानी डाल दिया करें बर्ड्स के लिए। कि अभी ये काला कौवा भी आया था आप देखें उस साइड से, तो ये गेहूं तो खाता नहीं, इसके लिए रोटी वगैरह डालना पड़ता है, सूखे हुए रोटी डाल दो ये खा लेते हैं, तो सेट चली गई है अभी, वो उड़ के वहाँ बैठ गई काले कौवा, देखा टंकी पे वो दिख रहा है वाइट वाले टंकी पे, और लॉफ्ट वाले मेरे कबूतर भी काफ़ी भूखे हैं, उनको भी अभी दाना डालूँगा मैं। बाकी आप देख सकते हैं कितना एक्टिव है, फिर मेरे सारे एक्टिव हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे बस दाना डालते ही टूट पड़ते हैं, तो ये देखिए आप काला कौवा आ गया इधर बैठा आकर। तो कई बार तो काफ़ी सारे कौवे होते हैं, अभी तो एक ही है, काफ़ी टाइम तो दो चार आठ दस काले कौवे आके बैठे रहते हैं, वो भी खाने के लिए वेट करते हैं, बट ये गेहूँ वगैरह दाने वगैरह नहीं खाते, इनको रोटी वगैरह सूखे वगैरह दे दे तो वो खा लेते हैं। एक एक कबूतर देखिए काफ़ी दूर से लैंडिंग करने की कोशिश कर रही थी, ये आई ऊपर बैठ गई वो, तो इस तरीके से बहुत सारे कबूतर आते हैं इधर छत पे। तो गाइस चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें थोड़े मोटिवेट हो सकूँ और अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर पाऊँ अपने लॉफ्ट के। तो इस तरीके से आप देखें काफ़ी कबूतर खा के ये फ्री हो गया दाना, तो अब नेक्स्ट मैं आपको इनको तो इवनिंग में दाना देता हूँ नेक्स्ट, तो अभी फ़िलहाल तो ये बहुत हद तक खा चुके हैं, ये देखें बिल्कुल पर ख़त्म हो गया ये बिल्कुल ये बैठी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल और कबूतरों का ख्याल रखें, तो बाय बाय।